हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि लिपो बैटरी को चार्ज कैसे करते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं, ये एक हेक्साकॉप्टर है जिस पर मैंने उनका ब्रांड का 5200 mAh 4 cells का लिपो बैटरी लगाया हुआ है। 14.8 वोल्टेज ये देता है। तो चलिए बैटरी को चार्ज करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो देख पा रहे हैं मेरे पास आईमैक्स स्काई आरसी का B6A6V2 ये लिपो बैटरी चार्जर है। इसी से हम चार्ज करने वाले हैं। और ये देखिए कनेक्टर है, पॉजिटिव नेगेटिव वायर, और ये जो कनेक्टर है ये आपका बैटरी में कनेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने ड्रोन में से बैटरी को निकाल लेता हूँ। तो ये मैंने निकाल लिया, ये बोन का ब्रांड का 5200 mAh का बैटरी 4S, और इसका जो वोल्टेज है 14.8 देता है। तो सबसे पहले हम स्विच को ऑन करते हैं। स्विच को ऑन करने के बाद ये लिपो बैटरी चार्जर का इंटरफेस आपको ऐसा दिखेगा, लिपो बैलेंस चार्जर। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हैं नीचे चार बटन है, 1 2 3 4। तो फर्स्ट बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको बैटरी टाइप है, तो बैटरी आप हमेशा लिपो बैटरी ही रखें। इसमें अलग अलग बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग लिपो बैटरी को चार्ज करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग लिपो बैटरी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए आपको 4 नंबर बटन को दबाना है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इसमें एम्पेयर लिखा है, तो हमेशा एम्पेयर को लो ही रखने का कोशिश करिए। यहाँ पे आपको एम्पेयर जो मैक्सिमम आप रख सकते हैं वो 6 amps तक है, और मैं हमेशा इसको 0.5 amp पर ही चार्ज करता हूँ। तो इससे बैटरी का लाइफ थोड़ा बढ़ जाता है। और इसमें आप देख पा रहे हैं ये 4S मेरा बैटरी है, इससे आप 2S, 3S, 4S, 6S तक आप लिपो बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और ये 0.5 amp हो गया, इसको आप 0.5 amp रखें, और आपका बैटरी के हिसाब से, जैसे मेरा 4S है तो मैं 14.8 वोल्ट का 4S को सेटिंग करके रखूँगा। तो उसके बाद आप 4 नंबर, तो इसमें अभी तक मैंने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया है, तो बैटरी को कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। चलिए मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। बैटरी को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे बैलेंस सॉकेट है, और आपका जो बैटरी अगर 4S है तो 4S में लगाएं। ठीक है, बैलेंस सॉकेट में आपका 4S 3S लिखा होगा तो 4S सेक्शन में ही आप उसको लगाइए, और उसके बाद एंटर स्टार्ट में क्लिक करिए, और 4 नंबर एंटर या स्टार्ट में आप दबाएंगे, क्लिक करते रहेंगे तो ये आपका चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब स्टेटस को देखने के लिए 3 नंबर बटन को दबाइए। देखिए मेरा इसमें वोल्टेज दिखा रहा है, मेरा कितना परसेंट चार्ज हुआ वो बता रहा है, और ये 4 नंबर पे, ये 2 नंबर पे आपका वोल्टेज एंड वोल्टेज बताएगा, एंड वोल्टेज पावर बता रहा है। तो आप इन 2 नंबर और 3 नंबर से आप बैटरी का स्टेटस को जान सकते हैं कि कितना परसेंट चार्ज हो गया, क्या है पावर वोल्टेज, कितना है, कितना ये चार्ज ले रहा है। ठीक है, और इसको अगर आप चार्ज करके छोड़ देते हैं तो इसमें सेफ्टी मोड भी रहता है, जिसके वजह से बैटरी ख़राब होने का चांसेस बहुत कम रहता है।